स्टूडेंट्स, हम लोग आईआईटी जेई 2019 का पेपर कर रहे हैं जो कि मेन में आया हुआ है, और ये जनवरी सेशन का है जो कि 11 जनवरी 2019 को आया था इवनिंग सेशन में। इससे पहले हम लोग 9 जनवरी और 10 जनवरी का इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का पेपर कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 11 जनवरी 2019 का जो पेपर है वो आया था जो जेई मेन्स में, उसको जो है हम लोग कर रहे हैं, जिसका जो है अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ए पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, किस फॉर्म में है, क्यूब में, विथ द साइड 1 सेंटीमीटर, और उसका साइड कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ 60 × 10�³ टेस्ला, वहां पर जो इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया गया है वो कितना दिया गया, 60 × 10³ एम्पियर पर मीटर दिया गया है। इज अप्लाइड, इट्स मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी निकालना है हमको, जो है ना मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी निकालना है। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी चाई इक्वल टू होता है आई बाई एच। आई क्या चीज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और एच क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट। तो यहां पर ही हम लोग जो है ना आई निकालते हैं, तो आई बराबर, सबसे पहले हम लोग को आई का वैल्यू चाहिए, तो आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम। तो हम लोग को यहां पर ये क्यूब दिया गया है, क्यूब जिसका साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग को इसका वॉल्यूम भी क्या क्या है दिया है हुआ है। तो हम लोग को जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है यहां पर ही, कितना दिया गया है, 20 × 10⁻⁶ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया गया है, 20 × 10⁻⁶ जूल पर मीटर, और उसके बाद में वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 1 × 10⁻²⁰ को मीटर में चेंज करेंगे और उसका पावर 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, −6 जो है इसका ये आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 10⁻⁶ से ये 10⁻⁶ कट गया, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 20 N·m² इसका आई आया। अब जो है हम लोग चाई का वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो चाई होता है ये इसके बराबर होता है आई बाई एच के बराबर होता है, तो आई का वैल्यू कितना आया, 20 N·m², और एच हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है, मैग्नेटिक 60 × 10³ ये दिया गया है, 60 × 10³। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 × 2 और ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना आ गया, 1/3 × 10³ ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³। अब जो है ना हम इसको करते हैं और एक यहां पर ही जीरो लाते हैं, तो एक जीरो लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पावर जो है बढ़ जाएगा, यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहां पर ये लिख सकते हैं हम इसको, 10 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻³ है, तो यहां पर ही 10 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, −4 यहां आ जाएगा, / 3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 3.3 × 10⁻⁴, जो कि सस्केप्टिबिलिटी साई का क्या चीज होगा, वैल्यू होगा। तो इसमें जो है गिवन ऑप्शन में हमको जो है ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल ऑफ मास एम, मास कितना है एम, इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए मोमेंटम पी, और उसका मोमेंटम कितना दिया गया है, पी, जो कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्टार्टिंग विथ टाइम टी इक्वल टू जीरो, वो टाइम टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है। ए फोर्स एफ इक्वल टू के आर, एफ का वैल्यू कितना है, एफ इक्वल टू के आर, एक्ट ऑन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल, वो जो है उसी डायरेक्शन में उसमें लग रहा है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी, और वो टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, टी, सो दैट इट्स मोमेंटम चेंज टू पी टू 3p। अब जो है उसका मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, पी से कितना हो जा रहा है, 3p। हियर के इज कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ टी, हमको किसका टाइम वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या चीज होता है, dp/dt, चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम, तो dp/dt, और ये किसके बराबर दिया गया है, kt के बराबर दिया गया है। अब जब हम उसको dp निकालते हैं, तो dp इक्वल टू किसके बराबर होगा, kt dt, और हम इसका दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो मोमेंटम है वो कहां से कहां तक जा रहा है, पी से 3p तक हो रहा है, और उसका जो टाइम है वो कितना हो रहा है, जीरो से टाइम पीरियड T तक हो रहा है। तो हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर इसे जब ये निकालेंगे, तो क्या चीज हो जाएगा, पी हो जाएगा इसका, dp का, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, पी से 3p तक हो रहा है,
उसके बाद में इक्वल टू, यहाँ पर ही जो है के कॉन्स्टेंट टर्म है और ये क्या चीज हो जाएगा, ये टी का क्या चीज हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो ये क्या चीज हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये यहां पर इसे यहां तक कितना आ जाएगा, एक बार इसका वैल्यू थ्री पी रखेंगे और एक बार कितना रखेंगे पी, तो कितना आ जाएगा मेरा टू पी आ जाएगा। टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो यहां पर इसे ये जो है इधर आ जाएगा, तो हमको टी का वैल्यू निकालना है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, बाकी टर्म को इधर करते हैं तो फोर पी, ये टू इंटू टू फोर पी अपॉन ये के आ जाएगा नीचे में, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर इसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टी इक्वल टू निकालेंगे रूट ओवर कितना आ जाएगा, फोर पी बाय के, इसको में जो है फोर को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टू इंटू रूट ओवर पी ओपन के, जो कि यहां पर जो है ऑप्शन नंबर टू में दिया गया है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर टू का जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका ऑप्शन नंबर वन क्या होगा, करेक्ट होगा, जो कि टू बाई अंडर रूट पी बाई के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, सेवन कैपेसिटर इज ऑफ द कैपेसिटेंस टू माइक्रोफेराड, सेवन कैपेसिटेंस जिसका एक का ये कितना है टू माइक्रोफेराड है, आर कनेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सिक्स बाई थर्टीन μF, हमको कितना लाना है सिक्स बाई थर्टीन μF, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन शोज इन द फिगर विल बी द अचीव द डिजायर वैल्यू। तो ये जो है ना सिक्स बाई थर्टीन μF लाने के लिए है ना, ये कौन सा जो इसमें जो कनेक्शन है, कनेक्शन का जो वैल्यू है वो किस तरह से कनेक्शन करेंगे कि वो इस तरह से आएगा, तो हमको इसको करके देखना पड़ेगा, हर एक का क्या निकालना होगा, हमको जो है निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको सिक्स बाई थर्टीन आना है, तो हम जो है ना सिर्फ नंबर फोर का देखते हैं ना, फोर नंबर का अगर हम लोग देखते हैं तो वो आ जाता है। जैसे यहां पर ही देखिए ये जो कनेक्शन है ये तीनों का तीनों क्या चीज में है, सीरीज में है, तो यहां पर ही तीन को सीरीज में है तो क्या चीज होगा, यानी कि थ्री सी एगो होगा, फिर ये सी, ये सी, ये सी और ये सी, यानी कि थ्री सी और ये सी सी सी, ये सब क्या चीज है, ये पैरेलल में है, तो क्या चीज हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, वन बाई थ्री सी प्लस क्या हो जाएगा, वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई सी, ये सातों कैपेसिटेंस को अगर हम लोग इस तरह से रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, नीचे में जो है हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, थ्री सी, और ऊपर में हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ट्वेल्व, और वन कितना हो जाएगा, थर्टीन बाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्टीन बाई थ्री सी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है तो हम लोग का एक एक सॉरी थ्री सी नीचे आ जाएगा, तो सी का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, टू, तो हमको जो है ना सी इक्विवेलेंट, ये वन बाई सी इक्विवेलेंट होता है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या चीज आ जाएगा, थ्री सी अपॉन थर्टीन। तो अब थ्री इंटू सी का वैल्यू कितना दिया गया है, टू माइक्रोफेराड, तो टू माइक्रोफेराड इंटू थर्टीन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिक्स माइक्रोफेराड बाई थर्टीन, जो कि हमको डिजायर वैल्यू है। तो हम लोग को जो डिजायर वैल्यू है वो कनेक्शन जो होगा वो जो फोर नंबर का जो कनेक्शन होगा उस तरह से हमको करने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, सिक्स अपॉन थर्टीन माइक्रो फैराड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल 45। एक डायपोल पे हम लोग अप्लाइड करते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 1000 वोल्ट पर मीटर, और उसका एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल 45। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10^-20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी वैल्यू क्या है हमको दिया गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हम लोग जानते हैं यू पोटेंशियल एनर्जी, यू बराबर क्या चीज होता है, माइनस पी डॉट ई के बराबर होता है। अब जो है हम इसका वैल्यू रख देंगे तो हमको जो है ना डायपोल मोमेंट दिया गया, कितना दिया गया है, 10^-29, ये माइनस साइन पहले ही लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया कितना, 1000 वोल्ट पर मीटर। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा एक दो तीन, तीन वैल्यू चला जाएगा, यानी कि जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10^29 में से ये चला गया तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस हो जाएगा। इसको जो है और अच्छा से लिख लेते हैं, और नीचे में क्या चीज आ जाएगा हमारा, रूट टू, ठीक। तो हम लोग क्या चीज हो रहा है ये, उसके बाद में यहाँ पर सॉरी पी डॉट ई जब कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज होगा, कोस थीटा भी मेरा आ जाएगा, तो कोस थीटा यहाँ पर ही हो जाएगा, कोस और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया, 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कोस 45। तो 10^26 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10^-27 ही लिखेंगे, और उसके बाद में
कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो रूट टू का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 1.414, तो कोस 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 और रूट टू का वैल्यू 1.414, तो ये लिखेंगे तो ये इससे काटेंगे तो 1.414 से अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 10 से है ना 10 को जो है 1.414 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 के आसपास में आ जाएगा 7.3 समथिंग आता है, तो 7 × 10^2 कितना हो जाएगा -27 जूल हो जाएगा, जो कि यहां पर ही जो है ऑप्शन नंबर जो है यहां पर ही 2 में दिया गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दिया गया है 1 मीटर एंड ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड, उसका ओमेगा कितना दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड। दस सपोर्ट ऑफ द पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग, सपोर्ट जो है ना वो जो जिसपे रखा हुआ है वो भी ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है अप एंड डाउन विथ स्मॉल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड, जिसका ये वैल्यू कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10^-2 मीटर, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है 10^-2 मीटर। द रिलेटिव चेंज ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज बेस्ट गिवन बाय, यहां पर ही जो है ना डेल्टा ओमेगा है ना, ओमेगा में चेंज हो जा रहा है कितना का चेंज हो जा रहा है मेरा 1 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि कितना का चेंज हो रहा है 1 रेडियन पर सेकेंड का हो रहा है, और उसका जो एंगुलर स्पीड है वो कितना हो रहा है 10, तो यानी कि जो है हमको जो है ना 10 में कितना हो रहा है 1 का चेंज, यानी कि ओमेगा का वैल्यू कितना है 10 और डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पर जो है हम लोग इसको करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना ओमेगा जो है वो डिपेंड करता है रूट ओवर किस पे करता है जी इफेक्टिव बाय क्या चीज पे डिपेंड करता है एल पे डिपेंड करता है, तो यहां पर ही जो है जी इफेक्टिव का क्या चीज है ये रूट है, तो रूट में जब हम जो है ना ये इसको निकालते हैं तो जो एरर होता है तो रूट में होता है, तो ये पावर क्या चीज हो जाता है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होगा ये जो पावर है ना ये जो पावर है ये आगे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू डेल्टा जी अपॉन जी, जब एरर निकालते हैं तो पावर क्या हो जाता है आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू क्या चीज होगा पावर जो है वो 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगा, तो अब जो है हम लोग इसको करते हैं तो 1/2 × डेल्टा जी का वैल्यू 1 दिया गया है और जी इफेक्टिव का किसके बराबर दिया गया है जी इफेक्टिव हम लोग का किसके बराबर आ रहा है 100, ठीक है, तो अब जो है हमको सॉरी यहां पर ही दिया गया अब जो है हमको क्या चीज करना है अब 1/2 × डेल्टा जी अपॉन क्या चीज हो जाएगा जी और इंटू ओमेगा, यहां पर क्या चीज हो गया डेल्टा ओमेगा का वैल्यू ये आ गया, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 1/2 × है ना 2a ओमेगा स्क्वायर बाय 100 इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा ये जो है किसके बराबर आ जाएगा वो जो है 10^-3 के बराबर आ जाएगा, जो कि यहां पर का एम्पलीट्यूड कितना है 10^-3 दिया गया, इसीलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 10^-3 क्या चीज होगा रेडियन पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा, जो कि यहां पर ही ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या चीज होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, ए और दो बी जो है दो रॉड्स दिया गया है जिसका डायमेंशन क्या है आइडेंटिकल, आर एट टेम्परेचर 30°C, उसका टेम्परेचर कितना है 30°C, इफ ए इज हीटेड अप टू 180°C, ए को जो है 180°C तक हीट किया जाता है एंड बी इज अप टू 30°C, और बी को कितना डिग्री तक 30° तक गर्म किया जाता है, द न्यू लेंथ आर सेम, दोनों का लेंथ क्या चीज है सेम हो जाता है, इफ द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए एंड बी इज 4:3, ए का जो एक्सपेंशन और बी का कितना है 4:3 के रेशियो में है थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, देन द वैल्यू ऑफ टी, तो हमको कैपिटल टी का क्या करना है वैल्यू निकालना है, जो कि यहां पर ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, तो हम लोग जानते हैं ना डेल्टा एल वन जो नया लेंथ बना वो किसके बराबर बना डेल्टा एल टू के बराबर बना, तो डेल्टा एल क्या चीज होगा एल इंटू है ना अल्फा वन इंटू कितना होगा डेल्टा टी वन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एल इंटू अल्फा टू इंटू क्या चीज हो जाएगा डेल्टा टी टू, तो ये इसके बराबर होगा, अब जो है यहां पर इसे हम जो है अल्फा वन ये कट जाएगा तो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा टी टू अपॉन क्या चीज हो जाएगा डेल्टा टी वन के बराबर हो जाएगा, अब जो है हम लोग को इसका रेशियो दिया गया है अल्फा वन इंच टू अल्फा टू का रेशियो दिया गया है कितना हम रखो 4:3 दिया गया है,
इक्वल टू डेल्टा टी टू। टी कहां से शुरू कर रहे हैं, टी से है ना, उसको कितना डिग्री तक ये किया जा रहा है, 30 डिग्री से कहां तक गर्म किया जाता है, टी तक किया जाता है। तो यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बाई दूसरा वाला को कहां से हीट किया जाता है, 180 तक हीट किया जाता है। कितना डिग्री से हीट किया जाता है उसको, 30 डिग्री से। एको को 180 तक हीट किया जाता है और एको को टी डिग्री तक हीट किया जाता है, ताकि दोनों का क्या चीज हो, ये रेशियो आए। तो अब जो है हम इसका करेंगे सोल्व, तो क्या चीज हो गया, 4/3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टी माइनस 30 बाई कितना हो जाएगा, 150। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 4 × 150 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3t माइनस 3 × 3 = 90 है ना, 90 के इक्वल हो जाएगा। यहां पर इसे जो है हम t का वैल्यू निकालते हैं, तो 3t को इधर ही रखते हैं, 3t इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, 150 × 4 कितना हो जाएगा, 600 माइनस ये 90 इधर चला जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या चीज हो जाएगा, 600 + 90। तो यहां पर इसे जब t का वैल्यू निकालेंगे तो 690 में से क्या चीज करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, तो टी 2 3 यानी कि टी का जो वैल्यू आया कितना आया, 230 °C। तो यहां पर जो हीट है ना, उसको दूसरा वाला रॉड को कितना डिग्री तक हम लोग हीट करते हैं, 230 °C तक हम लोग हीट करते हैं, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, इसलिए 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा।